अभी तक तो मेरे परदादा और दादाजी सिर्फ सुपार टोपली बनाते थे, लेकिन मैंने उनसे कुछ हट के काम किया तो मैं बांस की कमचियों से विभिन्न विभिन्न प्रकार के आइटम्स बनाता हूँ, जैसे हो गया लैंप हो गया, कफ हो गया, पानी पीने का गिलास हो गया, और बैलगाड़ी हो गई, और लेडीज़ों के कान की झुरली बनाता हूँ, और हेयर क्लिप बनाता हूँ, और भी जगह मैं जाता हूँ एग्जीबिशन में, जैसे हो गया पूना हो गया, बॉम्बे हो गया, भोपाल हो गया, और अभी मुझे एक नया ऑर्डर मिला है बैलगाड़ी का जो अमेरिका जा रही है। मैंने ऐसा भविष्य में भी नहीं सोचा था कि मेरा आइटम इतने दूर भी जाएगा। अभी कितनी आमदनी है? और अभी मेरी आमदनी लगभग 40 से 50 हज़ार हो जाती है, जिससे मेरा घर चल जाता है, लेकिन मुझे सरकार कुछ मदद करे तो मैं और आगे बढ़ सकता हूँ। ये काम तो हम वैसे पूछते ही है हमारा, और करीब करीब इसको हम 50-55 साल से करते आ रहे हैं, और इसमें कप है, तुम्हारे ट्रे है, गिलास, तुम्हारे छोटे खिलौने, और सूप, ढोकनी, कान के झुमके, ये बांस से बनता है। अच्छा, बांबू, बांस की कीमती है? बांस की कीमती है। अच्छा, और इसकी डिमांड कब बढ़ती है? इसकी डिमांड अपने त्योहारी सीजन पे अच्छी रहती है, जैसे होली हो गया, दीपावली हो गया, इन पे ज़्यादा रहता है, तो लोग आते हैं। हाँ, आते हैं। ये बांस की बहुत बढ़िया कलाकारी करते हैं, ये छोटे छोटे आइटम बांस की कमचियों से बनाते हैं, और इनकी बहुत डिमांड है मार्केट में, मतलब डिमांड पे अच्छी बढ़ रही है। इनके कार्य बहुत बढ़िया है, कार्य बहुत बारीकी से करते हैं, छोटी छोटी कमचियों, बांस की छोटी छोटी कमचियों से बढ़िया अपनी गाड़ी वगैरह, कप और बहुत से आइटम बनाते हैं।